मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की एबी को देखते हैं जिसका आज 16 बर्थडे होता है, इसीलिए वो काफ़ी खुश थी। तब वो अपने क्रश लोगन की फ़ोटो च्युइंगम से एक विश लिस्ट में लगाती है। उसमें एबी की टोटल 16 विशेस थी जो वो अपने 16 बर्थडे पर करना चाहती थी। तभी उसके रूम में उसके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं और उसे एक केक के साथ सरप्राइज करते हैं। साथ ही उसके डैड उसका एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं, पर एबी उन्हें वहाँ से जाने को बोल कर गेट बंद कर लेती है। अगले सीन में माइक एबी के पास ब्रेकफास्ट लाता है और टेबल पर रख देता है। तब वो दोनों विंडो से क्रिस्टा को खुशी से नाचते हुए देखते हैं। आज उसका भी बर्थडे होता है और उसे गिफ्ट में एक कार मिली थी। एबी की क्रिस्टा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए वो दोनों हमेशा आपस में कॉम्पीट करते रहते थे। इसके बाद एबी नहाने चली जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो उसके एसी से बहुत सारे वॉस्प निकल कर हमला कर देती हैं, जिन्हें देखकर वो चिल्लाती हुई बाहर जाती है। जिसके बाद हम एबी को उसकी फैमिली के साथ घर के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि उनका पूरा घर वॉस्प से भरा हुआ था। तभी एक लेडी सेलिस्ट बताती है कि एसी के पास 16 साल पुराना वॉस्प का शेल्टर है, इसीलिए उसे हटाने में टाइम लगेगा। और वो एबी को उसकी विश लिस्ट देती है जो वो अंदर से बचा कर ले आई थी। तभी क्रिस्टा अपनी कार लेकर आती है जिसमें एबी का भाई माइक उसके साथ स्कूल चला जाता है, और क्योंकि एबी के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसीलिए हम उसे बस स्टैंड पर जे के साथ देखते हैं। जे एबी को उसका बर्थडे गिफ्ट भी देता है, उसमें एक लॉकेट था जिसका एक हिस्सा जे ने अपनी कीचेन में लगाया हुआ था और दूसरा हिस्सा वो एबी को पहना देता है। फिर बातें करते हुए एबी उससे बोलती है कि शायद इस बर्थडे को थोड़ा मैजिकल होना चाहिए था। तभी एक कार वहाँ पर आती है जिसमें से सेलेस्ट निकलकर उसे एक पार्सल देकर वहाँ से चली जाती है। जब एबी उसे खोलती है तो उसमें 16 कैंडल्स का बॉक्स था जिसके पीछे विश मांगने को लिखा था। अब एबी को इस पर विश्वास तो नहीं होता, पर वो फर्स्ट कैंडल निकाल कर कार की विश करती है। उसकी कैंडल ब्लो करते ही वहाँ सेलिब्रिटी जोई की गाड़ी आती है जो उतरकर एबी को किस करते हुए बर्थडे विश करता है। ये देखकर एबी बहुत खुश हो जाती है। तब उसे समझ आ जाता है कि ये कैंडल्स उसकी विश लिस्ट के हिसाब से है, क्योंकि उसकी विश लिस्ट की पहली विश जोई से मिलने की थी। अब ये देख वो तुरंत 8 कैंडल्स निकाल कर ब्लो करती है। तभी वहाँ सेलेस्ट सुपर कार लेकर आ जाती है, पर एबी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था इसीलिए सेलेस्ट उन्हें गाड़ी में बैठने को बोलती है और कुछ ही सेकेंड्स में स्कूल पहुँचा देती है, जहाँ सब एबी की गाड़ी देखकर बहुत शौक हो जाते हैं। तब वो सबको रात में अपने बर्थडे में इनवाइट करती है, पर उसके कपड़े देखकर सब उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो नाइट सूट में ही स्कूल आ गई थी, इसीलिए वो अंदर चली जाती है। तब क्रिस्टा पैम्पलेट माइक को देती है जिसमें वोट फॉर क्रिस्टा लिखा था। इसके बाद हम एबी को ड्रेस चेंज करने के बाद देखते हैं, जहाँ उसे याद आता है कि उसकी सेकेंड विश क्यूटेस्ट ड्रेस की थी, इसीलिए वो अपनी सेकेंड विश यूज़ करने के लिए एक रूम में चली जाती है जहाँ वो बहुत बार ट्राई करती है पर कैंडल नहीं जलती। वहीं क्रिस्टा भी उसे चुप कर देख लेती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके कुछ सेकंड बाद वहाँ एबी की टीचर आ जाती है और उसे कैंडल बॉक्स ले लेती है। अब अगले सीन में हम सेलिस्टी को एबी के साथ देखते हैं जो उसे बताती है कि तुम 1 घंटे में बस 1 कैंडल का ही यूज़ कर सकती हो, जैसे तुमने अपनी फर्स्ट विश 7:58 पर मांगी थी और दूसरी 8 बजे, साथ ही 12 बजे के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी और तुम्हारी मांगी हुई विशेस परमानेंट हो जाएगी। इसके बाद सेलेस्टी उसे कैंडल बॉक्स वापस करती है और एबी खुशी से बाहर चली जाती है। अब जैसे ही 9 बजते हैं तो एबी एक स्टोर रूम में जाकर क्यूटेस्ट ड्रेस वाली विश मांगती है। तभी वहाँ सेलेस्टी आकर उसकी मदद करती है। फिर जब एबी बाहर आती है तो सब उसे देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। तभी क्रिस्टा सामने आकर बोलती है कि इसके पास जो बैग है वो मुझे 1 साल पहले ही मिल गया था। तभी क्रिस्टा एबी को एक नया बैग दे देती है जिसे देखकर सब फिर से शॉक होने लगते हैं, और ये देखकर क्रिस्टा बहुत जेलस होती है। अब थोड़ी देर बाद हम सभी लोगों को वॉलीबॉल कोर्ट में देखते हैं जहां सब एबी का वेट कर रहे थे, पर एबी 10 बजने का वेट कर रही थी। जैसे ही 10 बजते हैं वैसे ही एबी 12th विश मांगती है कि वो हर चीज़ में क्रिस्टा को हरा सके। इसके बाद वो फुल एटीट्यूड में बाहर जाती है और अपनी पोजिशन ले लेती है। अब जैसे ही मैच चालू होता है तो एबी जे को अपनी विश के बारे में बताने लगती है। तभी उसकी तरफ क्रिस्टा एक स्मैश मारती है जिससे एबी बचकर क्रिस्टा को सुनाने लगती है, और अगले सेट में जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उछलकर एक बेहतरीन स्मैश मारती है जो सीधा क्रिस्टा के मुंह पर लगता है और क्रिस्टा बेहोश हो जाती है। अब जब क्रिस्टा की आँख खुलती है तो वो मेडिकल रूम में थी
जहाँ सेलिस्ट उसका इलाज करती है। उठने के बाद जब वो बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि एबी को इलेक्शन में 100% वोट मिल गए हैं। ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है और एबी हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जे को उदास देखते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स बॉडी प्रेसिडेंट बनना चाहता था। तभी एबी वहाँ आ जाती है जो जे की विश से अनजान थी। तब जे उसे कुछ नहीं बताता और दोनों बाहर जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सब एबी के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। ये देखकर जे भी बहुत शौक होता है जिस पर एबी उसे बताती है कि ये 10th विश का कमाल है जिसमें लिखा था कि 16 साल की होने पर वो पॉपुलर हो जाएगी। इसके बाद वो हंसती हुई बाहर जाती है जहाँ सब उसके साथ फोटो खींचने लगते हैं। वहाँ से सीन अब थोड़ी देर बाद आता है जहाँ जे और एबी सैंडविच खा रहे थे। तब जे नोटिस करता है कि कुछ स्टूडेंट्स एबी की बर्थडे पार्टी के पोस्टर्स लगवा रहे हैं जिस पर एबी उसे बताती है कि उस लड़की के डैड बिजनेसमैन हैं जो मेरी बर्थडे पार्टी एक बहुत बड़े होटल में अरेंज करवा रहे हैं। अब ये सुनकर जे खुशी से एबी से बोलता है कि उधर जाने के लिए तुम्हें अच्छी ड्रेस पहननी चाहिए, जिस पर एबी बोलती है कि उसके सारे पैसे घर पर है और वॉस्प की वजह से वो घर पर नहीं जा सकती। तब जे बोलता है कि मैं तुम्हारी नई ड्रेस के पैसे दे दूंगा। ये सुनकर एबी बहुत खुश हो जाती है और दोनों एबी की कार में जाकर बैठते हैं। तभी फिर से एबी को याद आता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तब जे उसे 7th विश के बारे में याद दिलाता है जिसमें लिखा था कि जब मैं 16 की हो जाऊंगी तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ये सुनकर एबी जल्दी से 7th कैंडल निकाल कर उसे लाइट अप करने के बाद ब्लो करती है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आकर एबी को लाइसेंस देता है और लाइसेंस मिलने पर एबी खुश होकर गाड़ी शॉप की तरफ ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टा भी उनका पीछा कर रही है। अब सीन शॉप के बाहर आता है जहाँ जे अपना वॉलेट चेक कर रहा था। तभी एबी उसे अंदर ले जाने लगती है और धोखे से वॉलेट रखते वक्त वो वहीं गिर जाता है, जिसे क्रिस्टा उठाकर स्माइल करती है। वहीं अंदर हम एबी को देखते हैं जो ड्रेस ट्राई कर रही थी। तभी शॉप में क्रिस्टा आकर सनग्लासेस बाय करते हुए ओनर से बोलती है कि तुम इन बच्चों को भगा क्यों नहीं देती, क्योंकि ये कुछ नहीं खरीदेंगे। अब क्रिस्टा के जाने के बाद ओनर को उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो उन दोनों को वहाँ से जाने को बोलती है। तब एबी जे से वॉलेट निकालने को बोलती है, पर जे जब वॉलेट चेक करता है तो वो उसे नहीं मिलता। ये देख ओनर गुस्से में जे को बाहर भगाकर एबी से कपड़े वापस करने को बोलती है। जब एबी कपड़े चेंज करने जाती है तो उसे विश नंबर 9 के बारे में याद आता है जिसमें लिखा था कि 16 की होने पर लोग उसे बच्चा समझना बंद कर देंगे, जिसके बाद वो कैंडल ब्लो करके बाहर जाती है और ओनर से जे के बारे में पूछती है, जिस पर ओनर बोलती है कि वो एक लड़की के साथ येलो कार में बैठकर चला गया। ये सुनकर एबी समझ जाती है कि वो क्रिस्टा के साथ गया है। तभी ओनर उसे और ड्रेस ट्राई करने को बोलती है, जिस पर एबी बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। तब ओनर बोलती है कि आप पैसे अपने चार्ज अकाउंट में ऐड करवा सकती हो। ये सुनकर एबी खुशी से बहुत सारी ड्रेसेस बाय करके अपने स्कूल पहुँचती है, जहाँ उसकी टीचर उसे पहचान नहीं पाती और उन्हें लगता है कि ये सब्स्टिट्यूट टीचर है। इसके बाद जब वो जे को क्लास के बाहर बुलाती है और बोलती है कि तुम कैसे बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे अकेला छोड़कर भाग गए, जिस पर जे उसे पहचानने से ही मना कर देता है और बोलता है कि हम कभी नहीं मिले। तभी स्मिथ वहाँ आकर एबी को बाहर कर देता है, जहाँ एबी के पेरेंट्स वैन लेकर खड़े थे, जो उसे बोलते हैं कि अब उसे अपने अपार्टमेंट में अकेला रहना होगा, साथ ही जॉब भी करनी होगी। अब एबी को कुछ समझ नहीं आता और अगले सीन में हम उसे अपनी मॉम को ये बताते हुए देखते हैं कि वो 16 साल की है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि अब वो एक एडल्ट हो गई है जिसकी उम्र 22 साल है। ये सुनकर एबी परेशान हो जाती है, जिसके बाद उसके मॉम डैड उसे बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एबी एक बॉक्स नोटिस करती है जिसमें उसे उसकी ग्रेजुएशन फ़ोटो मिलती है, पर उसने अभी ग्रेजुएशन नहीं की थी। उस फोटो को देख एबी समझ जाती है और सेलिस्ट को बुलाने लगती है, पर जब वो नहीं आती तो एबी 3rd विश यूज़ करती है जिसमें वो चाहती थी कि वो अपनी रूम को अपने हिसाब से डेकोरेट करे। अब उसकी कैंडल ब्लो करते ही सेलिस्ट उसकी मदद करती है। तब एबी उसे बताती है कि कैंडल में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं एक वोमेन बन जाऊँ, बस इतना चाहती थी कि लोग मुझे बच्चा ना समझे, जिस पर सेलेस्ट उसे बताती है कि कैंडल में गड़बड़ नहीं है बल्कि विश में है और अब इसे बदला नहीं जा सकता। ये बोलकर सेलेस्ट वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद एबी विशलिस की विश को चेंज करने का सोचती है, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है, इसीलिए वो 14th विश मांगती है।
कि उसके पेरेंट्स उसकी हर बात को समझे। विश मांगने के बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है जो वॉस्प की वजह से कैंपिंग रूम में रहने लग गए थे। वहाँ वो अपने मॉम डैड को सब बताती है। उसके मॉम डैड उसकी बात समझते तो हैं पर उन्हें लगता है कि एबी डरी हुई है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर भी पाएगी या नहीं, इसीलिए वो उसे नॉर्मली समझाकर अपने रूम में चले जाते हैं। ये देखकर एबी और परेशान हो जाती है। तभी एबी जे को देखती है जो क्रिस्टा की पार्टी में जा रहा था, जिसे देख वो उसे गले लगाकर उसे सब याद दिलवाने की कोशिश करती है, पर जे उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है। जिस पर एबी उसे अपना लॉकेट दिखाते हुए उसे उसकी कीचेन निकालने को बोलती है। जब वो कीचेन और लॉकेट को जोड़कर देखता है तो उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है और वो एबी को पहचान जाता है, जिसके बाद वो उसकी विशलिस्ट देखते हुए उसे चेंज करने को बोलता है। तब एबी उसे बता देती है कि ये पॉसिबल नहीं है। अब जे उसे उदास देखकर अपने साथ क्रिस्टा के बर्थडे पर चलने को बोलता है, जिस पर एबी मान जाती है और दोनों वहाँ जाते हैं जहाँ क्रिस्टा ने बहुत अच्छा इंतज़ाम करा हुआ था। वहाँ एबी माइक को सिंगिंग करते हुए भी देखती है जो काफ़ी अच्छा गा रहा था। तभी वहाँ क्रिस्टा आ जाती है जो एबी से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। अब जे को स्टेज पर इनवाइट किया जाता है, जिसे स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट बनने की खुशी में बधाई दी जाती है। तब जे बोलता है कि मैं क्रिस्टा की हेल्प के बिना नहीं कर पाता। इसके बाद जब वो एबी के पास आता है तो एबी उससे पूछती है कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं होंगी तो क्रिस्टा प्रेसिडेंट होगी, जिस पर जे बोलता है कि क्रिस्टा को तो कॉम्पिटिशन पसंद ही नहीं है, साथ ही वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर की है, इसी वजह से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर एबी को काफ़ी अजीब लगता है। तभी बाकी स्टूडेंट जे को अपने साथ ले जाते हैं और एबी पार्टी की चीज़ों को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे रियलाइज़ होने लगता है कि विश के चक्कर में उसने कितनी कीमती चीज़ें मिस करी है। अब वो उदास होकर अपने घर जाने लगती है, जहाँ रास्ते में पहले तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, साथ ही पैदल चलते वक्त उसकी सैंडल भी टूट जाती है। अब जब वो उन्हें सही करने के लिए एक जगह बैठी ही थी कि एक गाड़ी उस पर कीचड़ उछाल देती है, जिसके बाद हम एबी को अपने घर में रोते हुए देखते हैं। तभी वहाँ सेलेस्ट पिज्ज़ा लेकर आती है, जिसे देख एबी उसके गले लगकर रोने लगती है। तब सेलेस्ट उसे संभालती है और उससे बातें करने लगती है, जहाँ बातें करते हुए वो उसके पास 16 कैंडल लाती है और विश मांगने को बोलती है, जिसे देख एबी बोलती है कि इससे कुछ बदलेगा नहीं, जिस पर सेलेस्ट याद दिलाती है कि तुमने 16 विश की जगह पर लोगों की फ़ोटो च्युइंगम से चिपकाई थी। ये सुनकर एबी जब उस फोटो को निकालने की कोशिश करती है तब वो तुरंत निकल जाती है। ये देख एबी खुशी से अपनी वो फ़ोटो वहाँ चिपकाती है जो उसके डैड ने सुबह खींची थी, और वो कैंडल लाइट करके विश करती है कि ये दिन फिर से शुरू हो जाए। उसकी कैंडल ब्लो करते ही वो उस टाइम में वापस पहुँच जाती है जहाँ उसके डैड ने उसकी फ़ोटो खींची थी। ये देख कर वो काफ़ी खुश हो जाती है और केक देख कर विश मांगती है कि सब परफेक्ट हो। तभी उसे वॉस्प के बारे में याद आता है, इसीलिए वो अपने मॉम डैड को बिना रुके सब बताने लगती है, पर उसकी ऐसी हालत देखकर उन्हें अजीब लगता है। तभी एसी के पास से सेलेस्ट उतरती है और बताती है कि सारे वॉस्प को हटा दिया गया है। इसके बाद सेलेस्ट खुशी से एबी को बर्थडे विश करके वहाँ से चली जाती है। अब जब एबी अपने रूम में जाती है तो अपनी विशलिस्ट को डस्टबिन में फेंक देती है, और थोड़ी देर में तैयार होने के बाद एबी अपनी सेविंग माइक को देते हुए गिटार लेने को बोलती है, और अपने मॉम डैड को थैंक यू बोलकर वो सीधा क्रिस्टा के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों रहती हो, क्योंकि तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। जिस पर क्रिस्टा उसे बताती है कि जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तो जे मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तभी तुम अपने बर्थडे वाले दिन टाउन में शिफ्ट हुई, जिसके बाद जे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन गया, और तुमने मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे बर्थडे वाले दिन चुरा लिया था, तो मुझे लूज़र वाली फीलिंग आई। ये सुनकर एबी को बहुत बुरा लगता है और वो क्रिस्टा से एक चांस मांगती है ताकि वो दोनों दोस्त बन सके, जिस पर क्रिस्टा मान जाती है। अब हम उन दोनों को स्कूल में देखते हैं, जहाँ जे उन दोनों को साथ देखकर बहुत शौक होता है। तब एबी बोलती है कि हम तुम्हारी एक विश पूरी करेंगे। ये सुनकर जे को कुछ समझ नहीं आता। तब क्रिस्टा उसे पैम्पलेट दिखाती है जिसमें क्रिस्टा का नाम काट कर जे को वोट करने के लिए लिखा था और वो प्रेसिडेंट बनने के लिए नॉमिनेट हो गया था। अब रात में हम देखते हैं जहां उन दोनों ने जॉइंट पार्टी रखी थी, जहां जे उन दोनों को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद क्रिस्टा एबी को बताती है कि वो लोगों को पसंद करती है। ये देख एबी उसे लोगों से बात करने को अप्रिशिएट करती है, इसीलिए क्रिस्टा उससे बात करने लगती है। तभी एबी के पास जे आता है
जिसे देख एबी बातें करते हुए उसे किस करती है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।